माना इंडिया लास्ट विलेज से मैं यहाँ पे गाइडिंग कराता हूँ, टूरिस्टों को घुमाता हूँ। यहाँ पे 6 पॉइंट होते हैं घूमने के, बाकी माना के बारे में आउट ऑफ नॉलेज बताता हूँ और बाकी जा जा पे जो पॉइंट आता है बाकी बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। वाओ वेरी नाइस, गॉगल भी लगा लो भाई। मेरा मोबाइल नंबर है 8755790569। मेरा नाम है सूरज काला, यही माना गाँव का लोकल हूँ, इंडिया लास्ट विलेज में रहता हूँ। वेरी नाइस। बद्रीनाथ से पीछे से आए हो मैम, यही पे से उनका चेक पोस्ट बना है मिलिट्री वालों का, पहले वहाँ पे परमिशन दिखाना पड़ता है तब आप बॉर्डर घूम सकते हो। ठीक है मैम, तो 65 किलोमीटर तक सड़क जाती है, उसके बाद तक चाइना बॉर्डर पड़ते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया का लास्ट गांव है माना गांव, इससे आगे हमारा माना गांव का ही नहीं है, इंडिया का कोई गांव नहीं है, इसलिए से इंडिया लास्ट विलेज माना गया। मैम यहाँ पर आ जाओ थोड़ा, यहाँ पर इधर इधर आ जाओ। तो मैम जो ये वाला पर्वत दिख रहा है आपको, ये वाला इसे नारायण पर्वत कहते हैं। ठीक है, और ये वाला नर पर्वत है। ठीक है मैम, पीछे देखो जो दीवार दिख रही है ना आपको, यही से बॉर्डर के लिए जाते हैं और कट्टी या पीछे से बाइक पार्क से, तो इसके ऊपर वाला ठीक है मैम वो नर पर्वत है। नर हमारे अर्जुन थे, अर्जुन जी ने नर जी का अवतार लिया था और नारायण हमारे बद्री भी साल थे, इन्होंने इनके अवतार लेके यहाँ पे तप किया था मैम इन पर्वतों पर, तभी से इन पर्वतों का नाम इनके नाम से फेमस है। ठीक है, नर नारायण। और वो सामने एक मंदिर दिख रहा है मैम आपको, तो बद्री विशाल जी के माँ का मंदिर है नारायण। अच्छा, नारायण हमारे बद्री विशाल जी थे, उनकी माँ का मंदिर है, वो अभी फिलहाल बंद रहता है, सितंबर के टाइम पे जब मेला लगता है तब खुलता है। ठीक है, अब हम यहाँ आगे से माना गांव में इंटर करेंगे, तो ये माना गांव हमारा पूरा 1 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। ठीक है मैम, और बाकी जहाँ पे हाइट है अगर वहाँ पे आपको नहीं जाना है, सीधा स्ट्रेट जाना है, तो हमारा सबसे अच्छा व्यू देखने का होता है। ठीक है, बाकी गणेश गुफा, व्यास गुफा, गणेश जी की गुफा है, व्यास गुफा वे व्यास जी की गुफा है जहाँ पे उन्होंने महाभारत कंपोज की है। ठीक है मैम, हमारे माता के रेंज में फैला हुआ फोटो में डालते कोई नहीं। तो बाकी हम 6 मंथ दूसरा बिजनेस करते हैं, एक खेती बाड़ी होती है, हमारा माना गांव स्टार्ट हो चुका है और पूरा 1 किलोमीटर के रेंज में फैला है। मैम इंडिया लास्ट कंट्री है और लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि इसी गांव रस्ते पांडव लोग और इसी गांव में सरफाई नदी देखने को मिलती है, क्योंकि इसके बाद जहां भी मिलती है हर जगह अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, और इसी गांव में महाभारत कंपोज हुई है, गणेश जी द्वारा लिखी गई है, वेद व्यास जी द्वारा बोली गई है, वो गणेश गुफा है, वेद व्यास गुफा है। ठीक है मैम, तो अगर वहाँ पे नहीं जाना चाह रहे हो तो अभी मुझे यहाँ पे आप बता दो, अगर हाइट पे नहीं जाना है कितना चलना है और ऊपर, अभी यहाँ से और ऊपर चलना है मैम। ठीक है, यहाँ पे काम करते हैं फिर 6 मंथ अपने दूसरे गांव में चले जाते हैं, यहाँ पे भी अपने मकान है, वहाँ पे भी अपने मकान है। ठीक है मैम, हमारे 2 होम है, 6 मंथ यहाँ पे आते हैं और 6 मंथ अपने दूसरे होम टाउन में चले जाते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट गोपेश्वर में। अच्छा, आप देखिएगा मैम आपको नर पर्वत देखेंगे पूरा। माणा का मैम असली लंबा नाम है मणि। अच्छा, ठीक है मैम, मणि ठीक है मैम, ये है ना नर पर्वत। ठीक है मैम, ये ऊपर देखो, ऊपर इधर इधर अभी और चल रहे, लगभग अभी मान लो 300 मीटर और चल रहे, फिर 300 मीटर वापस आ जाए। अगर गणेश गुफा व्यास गुफा जाएगी तो टोटल हमें अभी पुराण महाभागवत गीता लिखी थी, 17 लाइन महाभारत की लाइन लिखी थी गणेश जी ने, और जब वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने 18 पुराण महाभागवत गीता लिखी, वो आज की डेट में एक पत्थर के रूप में। अच्छा, वो व्यास पोथी है, बिल्कुल एक किताब की।
फिर आपको पिक नहीं कर पाऊंगा मैं, पता नहीं कब आते हो, कब आपका टूर दोबारा पड़ता है। इसलिए जब मैम इस बार आए हो तो सारे दर्शन करके चले, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर यह कि दर्शन तो पूरे कर लोगे। वापस से बोल, क्या क्या बोल रहे? ये सरस्वती है मैम, ठीक है, सामने वाली, और जो उधर से आ रही है अलकनंदा है, तो इन दोनों का यहाँ पे संगम हो रहा है, इसे कहते हैं केशव प्रयाग। और यही पे सरस्वती माता बिल्कुल शांत हो रही है, क्योंकि जब वेद व्यास जी महाभारत बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, तो ये अपना साउंड बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही थी मैम, तो इस साउंड के चक्कर में वो डिस्टर्बेंस हो रहे थे गणेश जी लिखने में, तो इस कारण वेद व्यास जी ने माता सरस्वती को श्राप दिया था, कहा था कि आप इसी गाँव से स्टार्ट होगी और यहाँ से ज्यादा पाताल लोक में लुप्त जाओगे, तो निकलती है और भीमपुर से उसे कहते हैं सरस्वती धाम, तेजी से निकलती है और यहाँ पे आके दो नदियों का संगम है, बिल्कुल शांत हो जाती है, अलकनंदा में समा जाती है, इसके बाद सीधे निकलती है इलाहाबाद में, यहाँ पे प्रयागराज है मैम, तीन नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। अच्छा, ठीक है, अब इसके बाद हम सरस्वती नदी का रूप देखेंगे, तेज वाला देखा था वो तेज रूप, बिल्कुल देखने मैम, थोड़ा ही ज्यादा आगे नहीं है अभी, आपको यहाँ से दूर लग रहा है, जब ऊपर जाएंगे पता नहीं चलेगा कब आया, बाकी ब्यास गुफा गणेश गुफा हाइक में तो वहाँ पे नहीं ले चल रहा मैम, तो सीधा भीमपुर चलते हैं, आ जाओ आगे आगे वसुधारा है मैम, लोग भीमपुर ही नहीं आ पाते, तो पार्किंग का रखता है, तीन दिन लगता है, आप ले जाते हैं पार्किंग पे पहुँचते, ठीक है, बाकी जब दर्शन करने आए हो थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ठीक है मैम, तो ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव लोग गए थे, और मैम सरस्वती धाम उसे कहते हैं, और मैम सरस्वती धाम उसे कहते हैं जहाँ से सरस्वती नदी बिल्कुल फास्ट निकलती है, स्पीड से निकलती है, पांडव कुश्ती हुई निकलती है मैम, जिस रूप के कारण वेद व्यास जी ने उन्हें श्राप दिया था, और जिस रूप के कारण पांच पांडवों की वाइफ डर गई थी। आ गए हम पहुँच के, पहुँच गए, टाइम है। अच्छा, वो स्वर्ग जाने वाला रास्ता है, ठीक है मैम, हाँ लगा लो दिन के पास सौ हाथियों का बल था, वो भी नहीं पहुँच पाएगा, तो अभी देखना आप कितनी विशाल शिला उठाई है उसने, और सारे लोग उसी से चलते हैं, आज तक उस शिला लगाई है, उसी से लाखों टूरिस्ट, वो आगे टेंट लगे हुए है, वो कौन बैठा है, नजदीक से आ जाओ, आ जाओ दिख रहा है उसमें, देखो आधे इधर है आधे उस साइड, ये क्या है, ये फिंगर प्रिंट है, भीम बहुत बड़ा था वो, भीम ने इस पत्थर को उठाने के लिए विशाल रूप लिया था, मुझे अपना विशाल पत्थर है, ये सारे लोग चल रहे हैं पर किसी को पता नहीं है भीमपुर का है, वो गाइड ही एक्सप्लेन करता है, ठीक है, बाकी हम नीचे जाके देखेंगे ग्राउंड, ठीक है मैम, बाकी आप लोग पर आप यहाँ पे खड़े हो ना, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो मैं वहाँ मंदिर, वो सरस्वती माता का मंदिर है, और वहाँ पे जाना भी अलाउड नहीं, क्योंकि काम चल रहा था ना, हाँ ये सरस्वती धाम है, चले चले चलते हैं एक मिनट,
बोल क्या बोल रहा है? वो पत्थर है जो भीम ने उठाया है शिला, जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। अच्छा। इसके ऊपर हम चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, उसकी फोटो खींच के आऊंगा आगे से। देखा है ना वहाँ पे सौ करोड़ की ओर बढ़ते हुए। क्या बोल रहे हैं? बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे एक, जब आप बद्रीनाथ से आए तो वहीं से मिलिट्री की चेक पॉइंट बनी है, तो वहीं से अंदर जाते हैं बॉर्डर के लिए 65 किलोमीटर, उसके बाद तब चाइना बॉर्डर पड़ता है, ठीक है मैम। तो वहाँ जाने के लिए परमिशन मांगते हो, बिना परमिशन के कोई नहीं जाता, ठीक है मैम। चाइना बॉर्डर गणेश जी का यज्ञ दिया था, ठीक है, वेद जाति में उन्होंने पहले वर्णना की थी महाभारत होने से पहले, कि अब महाभारत का युद्ध होने वाला है, उससे पहले उन्होंने 79 लिखनी थी, उसके लिए उन्होंने लिखने के लिए राइटर बनाया था। यहाँ पे बैठ जाओ, ठीक है, चल ले फोटो उसके साथ। अंदर गुफा है, ये मंदिर का डेकोरेट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ, ठीक है। ये गणेश कैप है, ऊपर वेद व्यास कैप है, जहाँ से वो महाभारत बोलते थे, और इस गुफा में बैठ के गणेश जी लिखते थे। तो लिखते लिखते गणेश जी की कलम भी टूट गई थी, उन्होंने इसी गुफा में बैठ के दांत तोड़ के भी लिखना शुरू किया था, ठीक है मैम। जो भी हम यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, कोई केमिकल वगैरह का यूज नहीं करते। और वो अखरोट का पेड़, वो सामने अखरोट का पेड़ है, तो मैं आपको एप्पल ट्री भी दिखाऊंगा नीचे। अखरोट का कौन सा भैया? तो मैं जाके कपड़ों के शॉप में जॉब करता हूँ। हाँ। यहाँ से आगे 5 किलोमीटर एक वाटरफॉल है, वहाँ पे वासुदेव ने तप किया, तो हमारे छतों पर जाने वाले मार्ग में एक झरना दिख रहा है आपको, पहाड़ों के बीच में पतली लाइन दिख रही है, वो वाटरफॉल है। तो उस झरने की खासियत यह है, वो हिस्ट्री में दिखा है उसके बारे में, सिर्फ अच्छे लोगों को दिखता है, गंदे लोगों को नहीं दिखता। वहाँ पे मूवी बनी है अल्लू अर्जुन की, जिसने वो मूवी बनाई है ना पुष्पा, देखा आपने उसका मूवी? देखी है पुरानी वाली ना, जो है अभी हाल ही की, जिसमें वाला डायलॉग है मैं ही झुकूंगा, वही हीरो मैम यहाँ पे आया था 10-12 साल पहले, तो उसने एक मूवी बनाई थी बद्रीनाथ धाम, वो मूवी आप यूट्यूब पे सर्च मारना देखना, उसमें वसुधारा के बारे में भी बता रखा है, उन्होंने यहाँ पे भी शूट किया। अच्छा, लाखों करोड़ टूरिस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज लोग आते हैं यहाँ मानो गाँव, ये बहुत भयंकर पॉपुलर गाँव है, टूरिस्ट प्लेस है, मतलब अब 1 किलोमीटर वहाँ जाना मैम 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना लगता है। बाकी देखो ना बेचारे हमारे आर्मी वालों को पूरे 12 मंथ रहना पड़ता है यहाँ पे, पूरे 10,000 से भी ऊपर है, जो हमारी माना की हाइट है वो 10,000 से ऊपर है, 10,133 फीट की सी लेवल से, ठीक है ना। बाकी इसका सेम देखो ना केदारनाथ जैसा लुक है, जो हमारे गुरुदेव का जी। बाकी टूरिस्ट लोग यहाँ पे कम ही आते हैं, क्योंकि हमारे बाबू को देखता है जब दर्शन, जब इनके कबाट खुलते हैं यहाँ पे, उसके बाद दर्शन कर। जिसपे स्नोफॉल पड़ा है ना मैम, सामने वाला, वहां से लेके लास्ट कोने तक वो कुबेर पर्वत है, ठीक है। और ये वाला नर है जो ऊपर दिख रहा है, और ये वाला सामने नारायण है, ये कुबेर है, हाँ, और ये नर पर्वत है, वाह, और ये नारायण है, ठीक है, नर नारायण। और मैं सूरज गाइड हूँ माना से, इंडिया लास्ट विलेज से। अच्छे से देना, वो डालेंगे पोस्ट। माना इंडिया लास्ट विलेज से मैं यहाँ पे गाइडिंग कराता हूँ, टूरिस्टों को घुमाता हूँ, यहाँ पे 6 पॉइंट होते हैं घूमने के, बाकी माना के बारे में आउट ऑफ नॉलेज बताता हूँ, और बाकी जा जा पे जो पॉइंट आता है वहाँ के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। वाओ, वेरी नाइस, गॉगल भी लगा लो भाई। मेरा मोबाइल नंबर है 8755790569, मेरा नाम है सूरज काला, यही माना गाँव का लोकल हूँ, इंडिया लास्ट विलेज में रहता हूँ। वेरी नाइस।
तेरा घर है? मैं नीचे से दिलाता हूँ। कौन सा तेरा घर? जहाँ पे बैल बना उसके बगल वाला। अच्छा, वहीं पे लोकेशन समझ लो, वही। वाह, वेरी नाइस। ये चाय पत्ती है? हाँ, 10 रुपए खुल लेनी है, बस हो गया, डन। यहाँ बाहर आ रहे हैं तो ठंडी लग रही है थोड़ी सी, है ना? नहीं है ना? हाँ, मकान वहाँ पे तो थोड़ी गर्मी, यहाँ जहाँ मकान है तो वहाँ हवा कम चल रही है, चारों तरफ मकान है तो इसलिए हमारे पास हवा कम पहुँच रही है। ये ठंडा खुला है तो हवा डायरेक्ट पहुँच रही है। चलो डन। वेल फ्रेंड्स, तो अब हमारी यहीं पे माना गांव की जर्नी खत्म होती है और आगे हम जा रहे हैं अब फिर से बैक टू जोशीमठ। जी हाँ, तो आज हमने पूरा सुबह से बद्रीनाथ के दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। माना गांव में आपने देखा कैसे उस गाइड ने, सूरज गाइड ने हमें बताया कि किस तरह से कैसे कैसे क्या क्या स्टोरीज से बताया हमें सब कुछ। आपने वो रास्ता भी देखा, स्वर्ग लोक जाने वाला रास्ता। जी हाँ, ऐसे कहते हैं कि 5 पांडव और द्रौपदी, कुंती, ये सारे उस भीम पुल के ऊपर से होते हुए ऊपर वसुधा फॉल्स से होते हुए आगे स्वर्ग लोक की ओर वो रास्ते से चले गए आगे। वेल, वो रास्ता तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है आगे जाकर, हम तो बहुत आगे नहीं गए, मगर ऑफकोर्स बहुत ऐसा, मतलब 4-5 भाई सब वहीं पे, उनकी जान भी चली गई थी और आगे सिर्फ युधिष्ठिर आगे गए। यस, और उसकी अलग एक स्टोरी है। वेल, अभी अब तो हम फिलहाल जा रहे हैं फिर से वापस, मतलब नीचे की ओर, जोशीमठ की ओर एक्चुअली। और जोशीमठ से पहले 18 किलोमीटर पहले एक पांडुकेश्वर एक और जगह आती है जहाँ पे पांडवाज ने विष्णु भगवान के लिए मंदिर बनाए थे। हाँ, और ये जब भी जैसे स्नोफॉल होता है तो ये सारे बद्रीनाथ के मंदिर और ये जो गांव वाले हैं ये सारे नीचे आ जाते हैं पांडुकेश्वर और जोशीमठ की ओर तरफ। यस, तो स्नोफॉल जैसे ख़त्म हो जाता है तो ये सारे फिर ऊपर आ जाते हैं, तो भगवान भी नीचे आते हैं पांडुकेश्वर जगह में। और इस पांडुकेश्वर जगह में अब हम रहेंगे एक रात के लिए और आपको दिखाएंगे। होटल भी बहुत बढ़िया मिल गया हमें, स्टे भी अच्छा रहा, पर रास्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, मतलब आप देख रहे होंगे इट इज़ वेरी स्टीप और बहुत छोटा से रास्ते हैं, एक ही रोड है, वन लेन रोड है और इसी में हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, आने वाले भी इसी रोड से जाएंगे। तो जब दो बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं आमने सामने, जैसे बस हो या ट्रक होता है, तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है यहाँ पे ट्रैवल करने में। आप देखो यहाँ, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा जिस टाइप से रोड टर्न्स है, तो थोड़ा डेंजरस लगता है वैसे, मगर हमारे टैक्सी वाले काफ़ी, टैक्सी वाले भैया जो थे वो बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहे थे, तो एंड दे आर ऑफकोर्स प्रोफेशनल हैं, यही करते हैं काम वो। और आप देखेंगे रास्ते में कुछ काम भी चल रहा है ना, आप क्रेन्स देखेंगे रास्ते की, ये जो ऊपर से पहाड़ों से ये पत्थर गिरते हैं इनके लिए रोकने के लिए जगहें बना रहे हैं इसे। वेल, ये है हमारा होटल था और बहुत बढ़िया सीनरी है यहाँ पांडुकेश्वर में। तो और यहीं से दूसरा एक रास्ता जाता है हेमकुंड की तरफ भी। जी हाँ, ये मेन पॉइंट बोला जाता है वैसे पांडुकेश्वर, और यहाँ से आगे 2-3 रास्ते हैं, एक बद्रीनाथ के लिए एंड ऑल दिस प्लेसेस।
अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा मौसम उतार चढ़ाव है, जैसे दिन में बहुत धूल धूप होती है और रात को एकदम ठंडा मौसम होता है, तो कपड़े वैसे ही डालें आप और एक दो रात अच्छी कंफर्टेबल स्टे ले लें। स्पेशली यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहा, हमें खाना बहुत बढ़िया मिला यहाँ और मौसम तो वैसे ही सुहाना था, तो बहुत ही अच्छा स्टे था यहाँ पे। और अदरवाइज़ केदारनाथ वगैरह आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखें, वहाँ पे ठीक ठाक ही था सब कुछ, है ना। तो वी वेर टू टायर्ड एट दैट टाइम, बट ओवर हियर वी वेर वेरी कम्फर्टेबल, अच्छे से रहे। और मेरा ज़रूर दूसरा वीडियो देखना जिसमें मैं ऋषिकेश में महर्षि योगी आश्रम जहाँ बीटल्स रहे थे वो वाला मैंने वीडियो बनाया, वो देखना ज़रूर। और डू सब्सक्राइब माई चैनल। और डेफिनेटली अभी यहाँ इतना अच्छा कम्फर्टेबल स्टे के बाद हम आगे ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं, बैक आई मीन आफ्टर द होल ट्रिप and then back to Bombay. Yes, so see you my friends, do comment, and if you have any question do ask me. Thank you, do subscribe. Bye bye, take care.